नमस्कार दोस्तों, मैं वीके पांडे जीके राजस्थान में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज वाली क्लास आपकी प्रारंभ हो चुकी है। एक बार जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए, जल्दी से लाइव आकर के देख लीजिए, आपकी क्लासेस प्रारंभ हो चुकी हैं। मैं आपको आपके प्रश्न दिखा देता हूं ताकि आपको उत्तर देने में आसानी महसूस हो। ये रहे आपके प्रश्न। इन्हीं प्रश्नों के साथ आज हम आपको तैयारी करवाने वाले हैं। आप एक बार प्रश्न देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम आज कौन कौन से प्रश्न करवाएं। ये प्रश्न है आपके, ये रहे प्रश्न, और आज इन्हीं प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। देखिए, प्रश्न नंबर एक आपके स्क्रीन पर है, उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। और आप लोग जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए मेरे भाई, कम से कम प्रत्येक विद्यार्थी तीन तीन लोगों के पास वीडियो को शेयर कर दे तो फिर मजा आएगी पढ़ाने में। ज्यादा से ज्यादा छात्र लाइव रहते हैं तो मजा आती है मेरे भाई पढ़ाने में, कुछ सीखने को मिलता है उससे। अब देखिए, प्रश्न नंबर एक आपके स्क्रीन पर है, इसका उत्तर दीजिए। देखिए प्रश्न नंबर एक, भवन शब्द में कौन सी संधि है? भवन शब्द में कौन सी संधि है, और इसका संधि विच्छेद भी आपको करके बताना है। इसका संधि विच्छेद भी आपको बताना है। इसका संधि विच्छेद आप कब बताएंगे? जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि भवन शब्द में का संधि विच्छेद क्या होगा। चार विकल्प हैं, यण, विसर्ग, अयादि, व्यंजन। चार विकल्प हैं, उत्तर दीजिए। भवन शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि, अयादि संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। बताइए मेरे भाई जल्दी से। हमने आपसे कहा भवन शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि, अयादि संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए सभी भाई, और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए मेरे भाई, झूम के शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्र लाइव आ सके और हम लोग मजे के साथ पढ़ सके मेरे भाई। देखिए, हमने कहा भवन शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि का सूत्र क्या होता है? इको यणची। क्या होता है? इको यणची, यण संधि। और मेरे भाई क्या होता है? विसर्ग संधि का पहचान है कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन। व्यंजन संधि में पहचान है कि व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन। अयादि संधि में क्या होता है? हाँ, मैंने आपको कई बार बताई है ये सारी चीजें, अब जल्दी से उत्तर दीजिए। मैं आपको बहुत जल्दी संधि पढ़ाने भी वाला हूं, लेकिन तब पढ़ाऊंगा जब आपकी मेहनत हमको दिखाई पड़ेगी। वीडियो में कम से कम 200 छात्र लाइव आने चाहिए। अगर 200 छात्र लाइव आते हैं तो ये मेरा वादा है कि आज मैं आपको सभी छात्रों को ये कह देता हूं कि हम आपको बहुत जल्दी महासंग्राम क्लास लेकर के आएंगे, और मेरी क्लास तो आपको जरूर मिलेगी मेरे भाई। चलिए, बहुत अच्छे, अयादि संधि उत्तर आ भी रहा है, इसीलिए मैं अभी तक बता नहीं रहा था कि इसमें क्या होता है, लेकिन हमारे बच्चे बहुत समझदार है, समझ लेते हैं। भवन शब्द में अयादि संधि है, बिल्कुल समय नहीं लगाएंगे, बहुत ही कम समय में जल्दी जल्दी उत्तर देने की कोशिश करेंगे। प्रश्न, प्रश्न के बाद तुरंत उत्तर, प्रश्न के बाद तुरंत उत्तर, बिल्कुल समय नहीं लगाएंगे। देखिए, किस मुहावरे का अर्थ बहुत चतुर होना है? अर्थ क्या है? बहुत चतुर होना है। कह रहे हैं कान खोलना, कान फूंकना, कान कतरना, या कान में तेल डालना। बहुत चतुर होना मतलब कान खोलना, कान फूंकना, कान कतरना, या कान में तेल डालना। उत्तर दीजिए। किस मुहावरे का अर्थ बहुत तेज होना है? कान खोलना, कान कतरना, कान फूंकना, कान में तेल डालना। तो कान कतरना का अर्थ होता है क्या? बहुत चतुर होना। कान कतरना यानी बहुत चतुर होना। राम बहुत कान कतरता है, अर्थात राम बहुत चतुर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। पत्नी में कौन सा प्रत्यय है? पत्नी में कौन सा प्रत्यय है? पत्नी, पत्नी में कौन सा प्रत्यय है बताएं मेरे भाई? ई प्रत्यय, नी प्रत्यय, नी प्रत्यय, या नी प्रत्यय। नी है, आधा त और नी है, ये फॉन्ट की वजह से आपको ऐसा दिखाई पड़ रहा है।
बताइए मेरे भाई, पत्नी में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए सभी लोग। बहुत अच्छे, क्या बात है। पत्नी में कौन सा प्रत्यय? बहुत आसान है। देखिए प्रत्यय क्या होता है, किसी भी शब्द के पीछे लग करके उसके अर्थों में परिवर्तन कर देता है। ये क्या करता है? पीछे लग करके क्या करता है, उसके अर्थों में परिवर्तन कर देता है। तो पीछे क्या लगा है? नी लगा हुआ है ना, देखिए नी। और नी मतलब क्या? ये बड़ी ई की मात्रा है, यानी इसमें कौन सा प्रत्यय होगा बताइए? नी प्रत्यय, ई प्रत्यय, नी प्रत्यय, ई प्रत्यय, बताइए। चार विकल्प है आपके पास, कौन सा प्रत्यय? नी प्रत्यय। बहुत अच्छे। अब इसमें बड़ी ई जो है, यहां पर जो आपको दिखाई पड़ रही है बड़ी ई की मात्रा, आप इस प्रत्यय का प्रयोग करते, परंतु ये प्रत्यय नहीं है, है ना। तो यहां पर कौन सा प्रत्यय है, छोटी नी या बड़ी नी? कौन सा प्रत्यय है, छोटी नी या बड़ी नी? जल्दी बताइए, छोटी नी या बड़ी नी? बहुत अच्छे, क्या बात है। तो आप लोग विकल्प बी बता रहे हैं, बहुत सही, बहुत आसानी से पता चल रहा है। देखिए यहां पर बड़ी नी लगा हुआ है, नी बड़ी की मात्रा, यानी पत्नी, नी प्रत्यय है, नी प्रत्यय, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर चार, गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि का उदाहरण है, गुण संधि का सूत्र होता है आद गुण। क्या होता है सूत्र? आद गुण। गुण संधि का उदाहरण है, आद गुण सूत्र है, कृष्णावतार, सर्वोपरि, विद्यालय, रविंद्र। बताइए कृष्णावतार, सर्वोपरि, रविंद्र, विद्यालय, चार विकल्प हैं, आपको उत्तर देना है, उत्तर दीजिए। गुण संधि का उदाहरण है, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए मेरे सभी भाई लोग जल्दी से। कृष्णावतार, विद्यालय, सर्वोपरि, रविंद्र, चार विकल्प, उत्तर दीजिए। गुण संधि का उदाहरण, गुण संधि का सूत्र क्या होता है? आद गुण, ठीक है। संस्कृत वाले आचार्य जी ने आपको पढ़ाया होगा, बताया होगा, क्या बात है, जल्दी से उत्तर दीजिए। सर्वोपरि यानी सी विकल्प बहुत सही है, सी विकल्प बहुत सारे छात्र उत्तर दे रहे हैं। तो सर्वोपरि में हमारा क्या है? गुण संधि है। सर्वोपरि में गुण संधि है, क्या है? गुण संधि। सर्वोपरि, सर्वोपरि में गुण संधि है। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर पांच क्या कहता है, ध्यान से देखिए, बहुत जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए आप लोग, ठीक है, बिल्कुल समय नहीं नष्ट करेंगे, बहुत तेजी के साथ तैयारी करेंगे। प्रतिहार, प्रतिहार में उपसर्ग है, बताइए प्रतिहार में उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग, प्रति उपसर्ग, प्रा उपसर्ग या अति उपसर्ग, चार विकल्प है, ए बी सी डी। प्रतिहार में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिहार में कौन सा उपसर्ग है? जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए भाई। प्रति उपसर्ग, प्रति उपसर्ग, अभी मैंने आपको बताया, देखिए प्रत्यय क्या करता है, पीछे लगता है, उपसर्ग क्या करता है, किसी भी शब्द के आगे लगता है, ये आगे लग करके अर्थों में परिवर्तन कर देता है। तो क्या सही हो जाएगा? प्रति उपसर्ग। आप सीधा सीधा देख पा रहे होंगे, प्रति धनहार, प्रति उपसर्ग है, और कैसा? छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो प्रति उपसर्ग है। हाँ, प्रश्न नंबर पांच का उत्तर ए सही हो जाता है, बहुत सारे भाई बहनों ने सही उत्तर दिया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। प्रश्न नंबर छह पर आते हैं, प्रश्न नंबर छह क्या कहता है? निम्न में से किस शब्द में दीर्घ संधि नहीं है? ध्यान दीजिएगा, किसी तीन में दीर्घ संधि होगी, बाकी में नहीं होगी। दीर्घ संधि में क्या होता है, इसकी पहचान है कि एक दीर्घ मात्रा आ जाएगी, यानी
ह्रस्व अ या आ के बाद दीर्घ अ दीर्घ आ आ ई के बाद दीर्घ आ ई आ जाता है तो वहां दीर्घ संधि होती है। दीप धन आवली दीपावली सूक्ति रचनावली पित्राज्ञा किसमें नहीं है बताइए, निम्नलिखित में से किस शब्द में दीर्घ संधि नहीं है? किस शब्द में दीर्घ संधि नहीं है? जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। बताइए मेरे भाई जल्दी से, बहुत सारे उत्तर आ रहे हैं। निम्नलिखित में से दीर्घ संधि नहीं है, दीर्घ संधि दीपावली रचनावली, बताइए जल्दी से। चलिए मैं आपको बता देता हूं, दीर्घ संधि नहीं है पूछ रहे हैं, पित्राज्ञा में दीर्घ संधि नहीं है, पितृ धन आज्ञा पित्राज्ञा है, दीर्घ संधि नहीं है। लेकिन इसमें कौन सी संधि है ये आपको बताना है, कौन सी संधि है इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अभी नहीं करना, वीडियो खत्म होने के बाद करना है, ताकि मैं अगली क्लास में आपका नाम ले पाऊं कि इस प्रश्न का उत्तर मेरे इस भाई ने दिया था। अब देखिए प्रश्न नंबर 7, आचार्य विनोबा भावे भूदान आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही थे, रेखांकित शब्द में समास पूछ रहे हैं, और ये समास किसमें बताना है, रेखांकित कहा है सत्याग्रही में, तो आपको बताना है सत्याग्रही में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास, या अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास, चार विकल्प हैं, उत्तर दीजिए। विनोबा भावे भूदान आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही थे, बताएं आप लोग जल्दी से। अव्ययी भाव समास में क्या होता है मैं आपको बता देना चाहता हूं, अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है, प्रथम पद प्रधान होता है और प्रथम पद उपसर्ग होता है, पहचान है इसकी, बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूं, प्रथम पद प्रधान होगा, प्रथम पद उपसर्ग होगा। कर्मधारय में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है, या तो इसमें उपमान उपमेय भी होता है, पहला पद उपमान दूसरा पद उपमेय होता है, और द्वितीय पद प्रधान पाया जाता है, क्या होता है, द्वितीय पद प्रधान पाया जाता है, ये तीन नियम का ध्यान रखना होता है। तत्पुरुष में द्वितीय पद प्रधान होता है, और इसकी खास बात यह है कि इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है, कारक चिन्ह का लोप होता है। बहुव्रीहि समास में दोनों पदों में से कोई पद प्रधान नहीं होता, और दोनों पदों को छोड़ करके तीसरा पद प्रधान होता है, तो सत्याग्रही सत्य के लिए आग्रही, तो यहां कारक चिन्ह का लोप हुआ है, तो विकल्प भी सही होगा, तत्पुरुष समास उत्तर बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। प्रश्न नंबर 8 देख लीजिए, प्रश्न नंबर 8 कहता है वाग्दान का संधि विच्छेद बताइए, वाग्दान का संधि विच्छेद बताइए, जल्दी से बताइए वाग्दान का संधि विच्छेद, वाग्धन दान या वाग्धन दान, चार विकल्प है, जल्दी से उत्तर दे दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए आप कैसे उत्तर दे रहे हैं, आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। वाग्दान शब्द का संधि विच्छेद बताइए,
क्या हो जाएगा? वाक धन दान। क्या हो जाएगा? वाक धन दान। विकल्प सी बिल्कुल सही है। ये प्रश्न इतनी बार रिपीटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं खुद इसको 4 से 5 बार करवा चुका हूँ। और इसमें कौन सी संधि है यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, कौन सी संधि है यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वाग्धन दान, वाग्दान, वाग्धन जाल, वाग्जाल, ये दोनों बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, वाग्जाल और वाग्दान, ये दोनों याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है, कह रहे निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछ रहा है नहीं है, यानी तीन होंगे एक नहीं होगा, आमरण, प्रत्येक, यथाक्रम, महात्मा, चार विकल्प हैं, उत्तर दीजिए। कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है? कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है बताइए मेरे भाई। देखिए, आमरण मरण तक, पहला पद प्रधान और पहला पद उपसर्ग अव्ययी भाव समास है, ध्यान दीजिएगा। प्रतिधन एक, प्रत्येक, ठीक है, प्रति एक, प्रति एक, प्रति उपसर्ग लगा है, यह भी आपका अव्ययी भाव समास है। यथाक्रम, क्रम के अनुसार, पहला पद उपसर्ग है, पहला पद प्रधान है, अव्ययी भाव समास है। महान है जो आत्मा, महात्मा, महान है जो आत्मा, महात्मा, यहां पर आपका कर्मधारय समास है महात्मा में, बाकी सभी अव्ययी भाव समास है। तो जो सही उत्तर है मेरे भाई वो है डी, डी विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। अब अगले प्रश्न पर आ जाइए, महत्तम में प्रत्यय है, महत्तम में कौन सा प्रत्यय है, उत्तम, तम, तम या उत्त अत्तम, बताइए महत्तम में कौन सा प्रत्यय है। महत्तम में कौन सा प्रत्यय है? मैंने आपको बताया जो पीछे लगता है वही प्रत्यय है, और लग करके अर्थों में परिवर्तन कर दे यानी उसको तोड़ लीजिए। महधन तम, महाधन तम, महत्तम यानी जिसकी महानता अधिक हो वो महत्तम होता है। तो जो विकल्प सही है वो है विकल्प बी, महत्तम, तम प्रत्यय लगा हुआ है, महत्तम में तम प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, ऐसा पुष्प जो अभी विकसित नहीं हुआ है, ऐसा पुष्प जो अभी विकसित नहीं हुआ है उसके लिए एक शब्द बताइए, उसको क्या कहेंगे, कोश, मुकुल, बौर या मंजरी, बताइए, चार विकल्प हैं, उत्तर दीजिए। कोश, बौर, मुकुल या मंजरी, ऐसा पुष्प जो अभी विकसित नहीं हुआ है उसको क्या कहते हैं, मुकुल, ऐसा पुष्प जो अभी विकसित नहीं हुआ है उसे कहते हैं मुकुल, याद रखिएगा, पूछा हुआ है परीक्षा में कई बार रिपीटेड है। प्रश्न नंबर 12, फिसल पड़े तो हर गंगा, फिसल पड़े तो हर हर गंगा, फिसल पड़े तो हर गंगा, बताइए इसके लिए कौन सा विकल्प सही है, मजबूरी में काम करना, नुकसान उठाना, एक साथ दो काम करना, विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना, चार विकल्प है, मजबूरी में काम करना, नुकसान उठाना, एक साथ दो काम करना, विपत्ति पड़ने पर ईश्वर को याद करना, ईश्वर को स्मरण करना, फिसल पड़े तो हर हर गंगा, तो क्या उत्तर सही हो जाएगा। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए मेरे भाई, जबरदस्त प्रश्न करवा रहे हैं, दुनिया के हर कोने कोने तक वीडियो पहुंचना चाहिए, हर छात्र के फोन में ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है मेरे भाई। तो जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हम आपको आनंद के साथ पढ़ा सकें। मजबूरी में काम करना, नुकसान उठाना, एक साथ दो काम करना या फिर विपत्ति पड़ने पर ईश्वर को स्मरण करना, तो मजबूरी में काम करना क्या उत्तर सही हो जाएगा मेरे भाई, मजबूरी में काम करना, क्या हो जाएगा, मजबूरी में काम करना, विकल्प ए सही है, फिसल पड़े तो हर गंगा, मजबूरी में काम करना, है ना, यानी फिसल गए तो अब तो मजबूर है, अब तो गंगा गंगा है कि नहीं।
चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं? किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं? अभीष्ट, सुशोभित, श्रृंगार, स्पष्टि, है ना, उसके बाद श्रेष्ठ, दीक्षा, नक्षत्र, संतुष्ट। अब बताइए सभी शुद्ध हैं, बताइए किसमें सभी शुद्ध हैं? ये लिखा हुआ है सृष्टि, ये सृष्टि लिखा हुआ है जो कि गलत है। चलिए किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं? पहला विकल्प सही आ रहा है, बहुत अच्छे लगातार, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने ज्यादा छात्रों का उत्तर आ जाएगा, लेकिन लगातार उत्तर आया। अभीष्ट और सुशोभित, ये तब सही होता जब इसको हम ऐसे लिखते, श्रृंगार सृष्टि मैंने लिख दिया, नक्षत्र में ये वाला छा होता है, संतुष्ट संतुष्ट होता है, संतुष्ट ठीक है, संतुष्ट, दीक्षा नहीं दीक्षा होता है, ठीक है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ नहीं, ठीक है। अब ये मैंने चारों सही करके दिखा दिया कौन कौन से कैसे कैसे सही होंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से शुद्ध शब्द है, निम्न में से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शुद्ध से ज्यादा प्रश्न है, स्वर्गीय, द्रवीभूत और पृष्ठभूमि और प्रतिबिंब, बताइए जरा कौन सा सही है, तो उत्तर दीजिए जल्दी से। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द हैं स्वर्गीय, पृष्ठभूमि, द्रवीभूत और प्रतिबिंब। क्या बात है, लगातार उत्तर आ रहा है, पृष्ठभूमि बता रहे हैं हमारे छात्र, ये क्या है, पूछ रहा है शुद्ध शब्द, तो शुद्ध एक ही है, बाकी तीन अशुद्ध हैं, पृष्ठभूमि बिल्कुल सही है, ठीक है, पृष्ठभूमि होता है। अब ये गलत कैसे हो जाता अगर यहां ऐसा कर देता, टा कर देता, हम ज्यादातर गलतियां ब और व में करते हैं, जैसे जहां व लिखना है वहां ब लिख दिया, जहां टा लिखना है वहां ठा लिख दिया, ठीक है, इस तरह गलतियां करते हैं। जैसे एक पद होता है जूनियर असिस्टेंट का, जिसको हम कहते हैं कनिष्ठ लिपिक, उसको कनिष्ठ करके पूछता है, कनिष्ठ नहीं होता है, कनिष्ठ होता है, ठीक है। अब अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अंतिम प्रश्न का उत्तर दीजिए, अशुद्ध शब्द बताना है आपको। कह रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध है वंदना, प्रज्वलित, तत्काल या संग्रहित, चार विकल्प हैं, उत्तर दीजिए मेरे भाई जल्दी से। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध शब्द है वंदना, तत्काल, प्रज्वलित, संग्रहित, बताइए। तो क्या है, अशुद्ध पूछ रहा है ना, वंदना अशुद्ध है, ये कैसे लिखा जाएगा, वंदना, ठीक है, इस तरह लिखते तो ये भी शुद्ध हो जाता, अभी ये अशुद्ध है, ठीक है। उम्मीद है आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा मेरे भाई। इस पूरे प्रश्न पत्र का PDF लेने के लिए 81 71 111 832 पर हमें WhatsApp करके हमारी टीम से संपर्क कर लीजिए और आपको पूरा पूरा PDF उपलब्ध करा दिया जाएगा, पूरी की पूरी क्लास, और हमारा एक ग्रुप है उस ग्रुप में आपको जोड़ दिया जाएगा, टेलीग्राम पर भी आपको जोड़ दिया जाएगा, तो 250 से भी ज्यादा PDF आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, 250 से भी ज्यादा PDF पड़ी हुई है, वो चीजें आपको मिल जाएंगी मेरे दोस्त। आज के लिए वीडियो को यहीं पर, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जो आज के मैंने आपसे प्रश्न पूछे हैं। नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।